चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर वनलाइनर में। भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो याद रखिए सिक्किम की। अगला है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला है, मालदीव किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर का। अगला है, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। अगला है, भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट किस देश द्वीप में स्थित है? तो है बृहद निकोबार द्वीप में। अगला है, किस राज्य की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग पन्नाथुला स्थित है? तो सिक्किम की सीमा पर। अगला, रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? उत्तर प्रदेश की। जीरो अगला है, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। अगला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है? दक्षिण अंडमान में। अगला, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में। अगला, भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28.38 नॉर्थ से अक्षांश बस 77.12 ईस्ट देशांतर की दिल्ली की। अगला, नासिक किस नदी के तट पर बसा है? गोदावरी के तट पर। अगला, स्प्रिंग इक्विनॉक्स किस तारीख को पड़ता है? 21 मार्च। अगला, एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा क्या है? मछली पकड़ना तथा शिकार करना। अगला, ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी? बार बाडोरा। अगला, विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो यह कांगो नदी। अगला, डोरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? तो याद रखिए अफगानिस्तान और भारत के बीच। अगला, उड़ीसा में सिमली पाल वन अभयारण्य कहाँ है? मयूरभंज में। अगला, यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहते हैं? बेल्जियम को। बेल्जियम को। अगला, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट। अगला है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगला है, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? फ्रांस का। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? शांत महासागर। अगला है, सीजगी क्या है? सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति। अगला है, अल्बिडो क्या है? सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परावर्तित हो जाता है। अगला, किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए श्रीहरिकोटा। अगला, नोबियान मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। अगला, कोलंबिया का पुराना नाम है न्यू ग्रेनेडा। अगला, केंद्रीय सिस्मो लॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल में। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीरा कुंड बांध। अगला है, तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? कृष्णा नदी जल को चेन्नई लाना। अगला है, ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी को अलग अलग करता है टारस जल संधि। अगला है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो यह हिमालय पर्वत श्रेणी। अगला है, राजघाट परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? बेतवा नदी पर। अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में। अगला है, अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट। अगला है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। अगला है, विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र किस स्थान की खानों से अपने लिए लोहे अयस्क प्राप्त करता है? तो बाबा बुदन की खानों से। अगला है, हमारा तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या है? त्रिवेंद्रम। अगला है, न्यू फाउंडलैंड में कौन सी दो
जलधाराएं मिलती हैं, लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। अगला है काराकोरम जलमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को। अगला है सराजियो किसकी राजधानी है? बोस्निया बाहरजेगो गुइना की। अगला यूट किस प्रजाति का घर है? खिरगीज का। अगला है पूर्व सोवियत संघ किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया? तो है लेनिन ग्राड का। अगला है हमारा राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई? तो है सतलज ब्यास से। अगला है तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला है कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। अगला है किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड को। अगला है टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। अगला है अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाता है? मृत सागर में। अगला है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला है किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो याद रखिए मंगल का। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? गोदावरी। याद रखिए स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस समुद्र में से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर में। अगला रोटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? नीदरलैंड में। अगला नीलगिरी पहाड़ियाँ की उच्चतम चोटी का क्या नाम है? डोडा बेटा। अगला किस ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है? प्लूटो ने। अगला है भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। अगला है वाघ रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में। अगला है संसार का सर्वाधिक सूखा ग्रस्त देश है? ऑस्ट्रेलिया। अगला है संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रणी देश कौन सा है? चीन। अगला HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? अंकलेश्वर से। अगला अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को। अगला किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया? पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को। अगला पृथ्वी की निकटतम सितारे से पिकास को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.3 वर्ष। अगला उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? ये होती है पश्चिमी विक्षोभों से। अगला किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? क्षारीय मिट्टी को। अगला हमारा साइलेंट वैली परियोजना का विकास किस प्रमुख कारण से रोक दिया गया है? क्षेत्र में पारिस्थितिकी असंतुलन होने की आशंका के कारण। अगला ओवरा किसके लिए जाना जाता है? ताप विद्युत घर के लिए। अगला है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है? NH2। अगला त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली भाषा। अगला है भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा में। अगला हिमाचल का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर है? खेजौर। अगला बाटा नगर किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। अगला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगला चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिसाल परीक्षण केंद्र के लिए। अगला भारत के किस राज्य में 99% से अधिक भू भाग पर वन है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। अगला भूमध्य सागर की कौन सी किसे कहा जाता है? कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जलसंधि को। अगला केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट दर्रा। अगला हमारा वर्जीनिया तमाकू प्रमुख किस देश में उगाई जाती है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में।